हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी हमारे यूट्यूब में मेरा स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे कंपनी का Q2 का रिजल्ट शेयर करने वाला हूं, जिसमें फर्स्ट कंपनी NBCC इंडिया। तो NBCC का इंडिया का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू देख ले, तो रेवेन्यू 90% का अप देखने को मिल रहा है। 2,459 करोड़ हम लोग इस बार देखने को मिल रहा है, और लास्ट ईयर में देखा जाए तो 2,056। तो यहाँ देख रहे हैं 90% के अराउंड इसने जंप दिखाया है। और EBITDA देखते हैं तो 4.6% अप है 100 करोड़, और लास्ट टाइम 95 करोड़। और मार्जिन में देखते हैं तो 4.1 और लास्ट टाइम था 4.6, तो यहाँ थोड़ा सा डाउन हुआ है मार्जिन पे। और नेट प्रॉफिट देख रहे तो नेट प्रॉफिट भी हम लोग अप होते हुए देखने को मिल रहा है 52% का। तो कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ तो कंपनी का लास्ट बार से इस बार का रिजल्ट अच्छा आया है। लास्ट हम लोग ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन में तो अच्छा है, बट हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं एस्टिमेट, मार्केट का जो एस्टिमेट था उसे ये बीट नहीं कर पा रही है। तो NBCC का रेवेन्यू का एस्टिमेटेड था 2,533, और EBITDA का हम लोग देख लेते हैं तो 138। तो 138 तो यहाँ तक तो नहीं जा पाया, क्योंकि 100 ही करोड़ पर है। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, बट ये प्रॉफिट दिखा रही है, और देखते हैं मार्केट का कैसा इस शेयर को लेकर रहता है, ये हम लोग कल देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शेयर हम लोग देख लेते हैं कावेरी सीड। तो कावेरी सीड का Q2 का भी रिजल्ट आउट हो चुका है। तो कावेरी सीड का रेवेन्यू देख रहे हैं 90% ऑलमोस्ट ये डाउन है, और इस क्वार्टर में देख रहे हैं 137, और लास्ट ईयर देख रहे हैं तो 171। और EBITDA में भी देख रहे हैं लॉस हो रहा है 1.9 करोड़ का, और लास्ट बार था ये 11 करोड़ का। तो 11 से देख रहे हैं 1.9 ये हुआ है, और नेट लॉस देखते हैं तो अभी भी 1 करोड़ का है, और लास्ट टाइम देख रहे हैं प्रॉफिट था अराउंड 14 करोड़ का। तो 40 करोड़ से 1 करोड़ का ये लॉस पर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट शेयर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है सेंचुरी प्लाईवुड। सेंचुरी प्लाईवुड का सबसे पहले रेवेन्यू देख रहे हो, तो ये रेवेन्यू 90% अप है, अच्छी बात है। तो रेवेन्यू है 1,184, और लास्ट ईयर था 997 पे। और EBITDA देख रहे हो तो 23% ये डाउन है, जो कि है 111 करोड़, और लास्ट ईयर में था 144 करोड़ का। और मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन है 9.4 करोड़, और लास्ट ईयर में था अराउंड 14 का। तो मैं देख रहे हैं EBITDA मार्जिन थोड़ा सा डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट देख लेते तो 59% के अराउंड ये डाउन दिखा रहा है, जो कि 40 करोड़ है, और लास्ट ईयर पे हम लोग देख रहे हैं 97 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट तो हम लोग को डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। तो अब देखना मार्केट इसे कैसा रिएक्शन देती है इस स्टॉक को लेकर, क्योंकि इसका तो प्रॉफिट डाउन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। अभी जैसे दिवाली में तो बहुत ही ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग हुआ है, तो देख लेते हैं अभी कैसा हम लोग रिजल्ट देने हुए को मिल रहा है। सबसे पहले रेवेन्यू देख रहे हो तो 37% का अप है, जो कि 6,065 करोड़ है, और लास्ट बार का देखते हैं तो 4,450 करोड़। तो यहाँ देख रहे हैं कि 37% ये अप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू का। और EBITDA का देख रहे हैं तो ये 4% अप है 327 करोड़, और लास्ट ईयर का देख रहे हैं तो 314 करोड़ का। और EBITDA मार्जिन देख रहे हैं तो 5.4, और पहले था 7.1 का। और नेट प्रॉफिट देख रहे हो तो 3.3 का ये डाउन दिखा रही है, जो कि है 130 करोड़, और लास्ट बार हम लोग देखते हैं तो ये 135 करोड़ का था। तो यहाँ देख रहे हैं कि ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे कल्याण ज्वेलर का भी डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। अब बस मार्केट का देख लेना कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये चल रही है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग को अल्केम लैब्स का भी Q2 का रिजल्ट आ चुका है। तो देख रहे हैं कि इसका रेवेन्यू 0.7% डाउन चल रहा है, जो कि 3,450 करोड़ है, और वर्सेस देखा जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि 3,440 करोड़, मींस माइनर से ये डाउनफॉल दिखाया है। और EBITDA देख रहे हैं तो अप है 0.9% का, मींस माइनर से ये भी अप है 753 करोड़, लास्ट टाइम 746 करोड़, मींस 1 ईयर की गैप में इसने बहुत ही कम अपने अप एंड डाउन किया है। और मार्जिन देखते हैं तो 22%, लास्ट टाइम था 21%। नेट प्रॉफिट देख लेते हो तो कुल मिला के हम लोग नेट प्रॉफिट ही देखना है, तो नेट प्रॉफिट हम लोग देख रहे हैं 40% अप है 702 करोड़ से, लास्ट टाइम था 750 करोड़। मीन्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ओवरऑल हम लोग को प्रॉफिट अप होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये रिजल्ट अच्छा है, बस मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं हम लोग कल देख सकते हैं।
और नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर है प्रिज्म जॉनसन, इसका भी Q2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो इसका रेवेन्यू देख रहे हो तो 8% डाउन चल रहा है, और 8% डाउन है 1685, और लास्ट ईयर पे था 1763, तो 1763 से यहाँ पे देख रहे 1685 हो चुका है। और एबिटा देख रहे हैं तो 160% अप हो चुका है, एबिटा 160% अप है तो 46 करोड़ का है, और लास्ट बार का देखते हैं तो 18 करोड़ का, 80 करोड़ से इसने एबिटा को अच्छा से ग्रो किया है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एबिटा मार्जिन क्या था, एबिटा मार्जिन हम लोग देख रहे हैं 2.7 का, और लास्ट टाइम था 1 का। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट हम लोग देख रहे हैं कि इस बार का प्रॉफिट हुआ ही नहीं, नेट लॉस हो चुका है, तो नेट लॉस है 104 करोड़, और लास्ट बार हम लोग प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, प्रॉफिट था 183 का। तो कुल मिला के देख रहे हैं कि प्रॉफिट से ये लॉस पर आ चुकी है कंपनी प्रिज्म जॉनसन, तो उतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं कह सकते, बट अब देखना है मार्केट की एक्सपेक्टेशन इसे कितना नीचे लेके जा सकती है।